ये देखिए मेरी मेहनत की कमाई है ये, जो कि मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी मुझे YT से पैसे आज मिल मैं आपको ना अपनी YouTube से जुड़ी बहुत सारी बातें बताऊंगी, बहुत सारी अपनी पूरी जर्नी शेयर करूंगी आपके साथ कि मुझे यहाँ तक का आने में कितना टाइम लगा और किस किस का साथ। सभी को थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू। मैं जितना भी बोलूँ ना, तो मैंने तो बिल्कुल हिम्मत हार दी थी क्योंकि शुरू शुरू में कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। एवरीवन गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स सुबह का टाइम है और अभी बस मैं रेडी होकर बैठी हूँ आपसे बातें करने के लिए। और आज ना मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ही ज़्यादा। आप लोग वैसे तो समझ गए होंगे टाइटल और थंबनेल देखकर, लेकिन आज मैं आपको ना अपनी YouTube से जुड़ी बहुत सारी बातें बताऊंगी, बहुत सारी अपनी पूरी जर्नी शेयर करूंगी आपके साथ कि मुझे यहाँ तक का आने में कितना टाइम लगा और किस किस का साथ रहा है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं YouTube पर आऊंगी और आप लोग का मुझे इतना प्यार मिलेगा। तो सबसे पहले आप सभी को थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू। मैं जितना भी बोलूँ ना उतना कम है। आप लोगों ने मुझे इतना पसंद किया, इतना प्यार दिया मेरी वीडियो को इतना देखने के लिए, तो सच में दिल से धन्यवाद। तो जैसे आपने मुझे अभी तक का सपोर्ट किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है आगे भी मुझे ऐसे ही सपोर्ट करना ताकि मैं और आगे जाऊँ, क्योंकि आपको सपोर्ट के बिना ना मैं कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। मैं आज भी कहती हूँ और चाहे कितने भी बड़ी हो जाऊँगी तब भी यही बोलूँगी कि आपका अगर सपोर्ट नहीं है ना तो कुछ भी नहीं है। और सबसे पहले मैं अपने हस्बैंड को धन्यवाद बोलूँगी, क्योंकि अगर वो मुझे इजाज़त ना देते YT पर आने की, तो मैं बिल्कुल भी YT पे ना आती, मैं आपको देखने को ना मिलती। तो सबसे पहले जी आपको थैंक यू सो मच, आपने मेरी बहुत हेल्प की है, बहुत ही ज़्यादा हर कदम कदम पर मेरा साथ दिया है। जब भी मैं डीमोटिवेट हो जाती थी तभी मुझे बहुत हिम्मत देते थे, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता था वीडियो बनाने का, लेकिन आज मैं जो भी कुछ हूँ उन्हीं की वजह से हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी भी हिम्मत हारने दी ही नहीं है। जब भी मैं डीमोटिवेट हो जाती थी तभी मेरे को फिर वो करते थे कि नहीं अभी आप वीडियो बनाते रहो बनाते रहो, आप तो ये सोच रहे हो कि बस मैं आज ही वायरल हो जाऊँ, आज ही मैं एकदम फेमस हो जाऊँ। बहुत से लोग लग रहे हैं उनको टाइम लगता है, मतलब मैं जब भी डीमोटिवेट हुई हूँ ना मुझे उन्होंने ही सपोर्ट किया है। और मुझे तो YouTube के बारे में ये भी नहीं पता था कि YouTube पर कैसे क्या करते हैं। जो भी कुछ आज मैं हूँ सिर्फ उन्हीं की वजह से हूँ, उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया है। तो आज ना मैं आपको अपनी पूरी जर्नी बताऊंगी कि मैंने कब अपना चैनल बनाया था और कब मेरा चैनल मोनोटाइज हुआ है और पेमेंट तक का मैं आपको सब बताऊंगी। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करो तो बेल को ऑल पे जरूर कर देना ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। ठीक है गाइज, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो गाइज मैंने ना अपना चैनल दिसंबर में 10 तारीख को बनाया था, और बस चैनल तो मेरा पहले से ऐसे ही बन ही रखा था, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं ब्लॉग बनाऊंगी, मैं यूट्यूब पर आऊंगी। ब्लॉग तो मैं बहुत लोगों के देखती थी, 2-3 साल से मैं सबके ब्लॉग देख रही थी। तो ऐसे ही ये बोलने लगे एक दिन कि सबके ब्लॉग देखते रहते हो, तुम भी नहीं बना सकते ऐसे ब्लॉग, ये भी तो ऐसे ही काम कर रहे हैं घर के। मैंने कहा मैं कैसे बना दूँगी, मेरे को तो आता भी नहीं है बनाना। तो मुझे कभी ये था ही नहीं कि मैं यूट्यूब पर आऊँगी और ऐसे वीडियो बनाऊँगी। तो बस फिर एक दिन मेरा अचानक से ऐसे ही मन कर गया, दूसरे के वीडियो देखते देखते मैंने सोचा, मैंने कहा क्या ऐसे तो मैं भी बना सकती हूँ, काम तो हम घर का करते ही हैं तो मैं भी बना के देखती हूँ। फिर मैंने इनसे पूछा तो जी मैं भी वीडियो बनाऊँ, ये बोलने लगे हाँ बना लो। तो बस मैं ऐसे ही ऐसे ही मैं हल्का सा रेडी हुई और फिर मैंने ठान ली थी उस दिन सुबह ही कि हाँ आज मुझे वीडियो बनानी है। 10 तारीख दिसंबर में पहली वीडियो मेरी गई थी इंट्रोडक्शन, मैंने 2-3 मिनट की वीडियो बनाई। बहुत ज़्यादा मैं कन्फ्यूज़ हो रही थी, नर्वस हो रही थी क्या बोलूँ क्या नहीं, लेकिन फिर भी मैंने बहुत कोशिश की, मैंने अपनी 2-3 मिनट की छोटी सी वीडियो डाली। आप सबने बहुत प्यार दिया उस पर। तो जी फिर मैंने अगले दिन ऐसे ही वीडियो डाली, ऐसे ही मैं छोटा छोटा वीडियो बनाती गई। मुझे तो सही से वीडियो बनानी आती भी नहीं थी। आप लोग मेरे पहले की वीडियो देखना उठाकर, उनमें मेरा थोड़ा सा बोलने का तरीका और होता है शुरू शुरू में नहीं बनती है वीडियो, और सबसे पहले तो मेरे पास ट्राईपॉड भी नहीं था, मैं ऐसे ही वीडियो बनाती थी, छुप छुप के वीडियो बनाती थी कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा है मैं क्या कर रही हूँ। बस अपने घर में ही ऐसे वीडियो बना ली, जहाँ लगा कि हाँ ऐसे रख दूँ कहीं भी ऐसे सेट करके। मैंने बहुत दिन तक ऐसे ही काम चलाया है बिना ट्राईपॉड के, और जैसे मुझे छत पे क्लिप लेनी होती थी तो दिखता है कि हाँ कोई नहीं है, मैं छोटी सी क्लिप निकाल लेती थी और ऐसे ही बना लेती थी। बहुत दिन तक मैंने ऐसे ही किया, और मैंने अपने
रिश्तेदार में भी ना मैंने किसी को नहीं बताया था कि मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं वीडियो बनाती हूँ। तो मैंने किसी को नहीं बताया काफ़ी टाइम तक। इन्होंने भी मुझे ये कहा था नहीं अभी किसी को नहीं बताना है, पहले थोड़ा सा कुछ करके दिखाना है यूट्यूब पर, फिर जाके हम किसी को बताएंगे कि हाँ हमारा भी चैनल है। तो हमने काफ़ी टाइम तक किसी को नहीं बताया, फिर मैंने इनको बहुत ज़बरदस्ती से मनाया। मैंने कहा जी मेरे को ट्राईपॉड चाहिए, मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ, प्लीज़ मुझे ट्राईपॉड दिला दो। फिर इन्होंने मुझे एक ट्राईपॉड दिलाया, फिर जाके मैं अपना ठीक ठाक वीडियो बनाने लगी। फिर ऐसे ही धीरे धीरे सबको पता चलता गया कि हाँ ये वीडियो बनाती है, फ़ोन में क्या करती है। तो ऐसे ही फिर मेरी ना धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी शर्म भी खुलती गई। फिर फ़ोन मेरा बहुत ज़्यादा मुझे परेशान करने लगा था, मैं वीडियो बनाती थी और स्टोरेज फुल, कभी वीडियो सेव होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। काइन मास्टर से जब मैं वीडियो सेव करती थी ना तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता था। फिर मैंने इनको बोला, मैंने कहा जी मेरा फ़ोन मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, मुझे फ़ोन चाहिए। कभी कभी ये गुस्सा भी हो जाते थे कि बस तुम्हारी तो डिमांड ही पूरी नहीं होती है, कभी तुम्हें फ़ोन चाहिए, कभी अभी यूट्यूब से पैसा कुछ आया नहीं है कि तुमने इतने पैसे खर्च करवा दिए। देखो होता है जब वो कुछ आने लगता है थोड़ा आदमी को वो हो जाता है, लेकिन इन्होंने ना बहुत कुछ किया है मेरे लिए, बहुत कुछ। तो फिर ना इन्होंने मेरे लिए एक बहुत अच्छा सा फ़ोन खरीद के दिया। मुझे तो ये मनाई करते थे नहीं फ़ोन अभी नहीं मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। इन्होंने मुझे सरप्राइज़ दिया और बहुत अच्छा सा फ़ोन लेके आए मेरे लिए। तो बहुत अच्छा फ़ोन था वो, बहुत वीडियो अभी भी मैं उसी से बनाती हूँ, बहुत अच्छा है। तो बस जैसे ही फ़ोन आ गया, फिर नेट की प्रॉब्लम तो थी मेरे पास, नेट वाईफाई नहीं था। तो फिर मैं वो उनको बोलने लगी, मैंने कहा नेट की कितनी दिक्कत होती है, एक वीडियो अपलोड करने में सारा नेट चला जाता है और बहुत मुश्किल से वीडियो अपलोड होती थी। तो फिर इन्होंने धीरे धीरे करके वाईफाई लगवाया मेरे लिए। तो फिर जब वाईफाई लग गया था ना तब मेरी सारी प्रॉब्लम दूर हो गई थी, नेट की भी, और फ़ोन भी मेरे पास अच्छा आ गया था। तो मैं अच्छी वीडियो भी बनाने लगी थी, क्वालिटी भी अच्छी आने लगी थी मेरे फ़ोन से, और नेट भी हो गया था और ट्राईपॉड भी। तो फिर ना मैं खूब अच्छे से वीडियो बनाने लगी। तो जब मैंने पहली वीडियो अपनी एडिटिंग की थी ना तो मुझे ना रात के 8 बजे से 2 बज गए थे। आप लोग यकीन मानोगे जब मैंने अपनी पहली वीडियो एडिटिंग की थी, मतलब हम दोनों ने ही मिलके की थी, मुझे तो कुछ आता भी नहीं था। तो आज मैं फिर से कहती हूँ जो भी मैं कुछ हूँ सिर्फ इन्हीं की वजह से हूँ, इन्होंने मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया। हम दोनों ने रात के 2 बजे तक वो वीडियो एडिटिंग करी, कैसे कैसे करके, पता ही नहीं चलता था कैसे क्या करना था। और गाइस हमारे ना कोई भी यूट्यूबर नहीं था हमारी फैमिली में कि कोई रिश्तेदार हो, कोई भी घर में यूट्यूबर हो, थोड़ी सी किसी की हेल्प मिल जाए, कोई भी कुछ भी नहीं जानता था यूट्यूब के बारे में, ABCD क्या होती है कुछ भी नहीं, हमें खुद भी नहीं पता था कि कैसे क्या। बस ऐसे ही हमने शौक में चैनल, उस टाइम तो मैंने अपना शौक में चैनल बना लिया था कि हाँ मुझे अपना चैनल बनाना है। और उस टाइम ना मुझे पैसों का भी नहीं था कि हाँ मुझे पैसे कमाने हैं यूट्यूब से, मुझे ये था कि बस मुझे फेमस होना है। तो बस मुझे यही था कि हाँ मुझे भी अपना नाम किसी को कुछ करके दिखाना है कि हाँ मैंने भी कुछ करके दिखाया घर में रह के। तो बस ऐसे ही मैं वीडियो डालती गई। और शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि ये नहीं होगा, 1 साल में 1000 सब्सक्राइबर करने और 4000 वॉचिंग टाइम करना। तो मैंने तो बिल्कुल हिम्मत हार दी थी क्योंकि शुरू में कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा था। फिर मैं बोलने लगी, मैंने कहा मुझे नहीं लगता जी कि हमारा चैनल चलेगा और 1 साल में भी मोनेटाइज होगा। तो ये बोलने लगे, नहीं तुम वीडियो बनाते रहो, हिम्मत मत हारो बिल्कुल भी। तो गाइज ऐसे ही मैं वीडियो बनाती रही। फिर आपका इतना मुझे सपोर्ट मिलने लगा, इतना प्यार आपका मुझे मिला, हर वीडियो पे मेरी बहुत अच्छे व्यूज़ आने लगे। लाइव करती थी उस पर भी आप लोग बहुत सपोर्ट करते थे। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके ना मेरा चैनल बहुत ही जल्दी ग्रो हो गया, बहुत ही जल्दी 4 महीने में ही मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था। ऐसे ही आप लोगों का सपोर्ट रहा मेरे साथ में, तो 5 महीने में मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था। ऐसे ही मैंने मोनो के लिए अप्लाई किया, उस टाइम भी डर था मन में कि बस ये था कि पता नहीं हमारा चैनल ठीक होगा या नहीं, क्योंकि हमें तो ये था कि पता नहीं चैनल बना भी होगा या नहीं। वीडियो तो हम डालते थे फिर भी रोज, लेकिन ये नहीं था कि पता नहीं हमारा चैनल बना होगा या नहीं बना होगा, बस दिमाग में यही रहता था कि पता नहीं चैनल ठीक ठाक है या नहीं। जिस टाइम मोनो के लिए भी भेजा था ना उस टाइम भी मन में यही था कि पता नहीं चैनल ठीक होगा या नहीं, मेल आएगी या नहीं आएगी। तो जैसे मैंने मोनू के लिए भेजा, इन्होंने किया था सब कुछ, यही करते थे मेरे चैनल का,
मुझे तो कुछ भी नहीं पता था, अब तो मैं थोड़ा थोड़ा सीख गई हूँ, अब तो मैं खैर सब कुछ कर लेती हूँ, अपनी वीडियो एडिटिंग भी कर लेती हूँ, थंबनेल और अपलोड सब कुछ मैं ही करती हूँ, लेकिन इन्होंने ही मुझे सब सिखाया है, इनके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ और आगे भी। सबसे पहले हर चीज़ का क्रेडिट मैं इन्हीं को ही दूंगी, फिर जाके मैं अपना क्रेडिट और आपका। देखो आपका भी बहुत बड़ा साथ है, लेकिन अगर यही मुझे YT पे आने की इजाज़त ना देते तो मैं नहीं आती YT पर, तो आप लोग मुझे कैसे देखते, है ना। तो सबसे पहले इन्हीं को धन्यवाद है। तो गाइज फिर ऐसे ही मेरा चैनल ठीक ठाक मोनो हो गया एकदम। तीसरे चौथे दिन मेल आ गई थी, और जिस टाइम मेल आई थी ना, मैं इतनी ज़्यादा वो हो गई थी, एकदम मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे, इतने ज़्यादा मैं वो हो गई थी कि हाँ मेरा चैनल मोनोटाइज हो गया है। तो फिर जाके हमने ना सबको बताया था कि हाँ मेरा चैनल है और चैनल मोनोटाइज हो गया है, क्योंकि बहुत लोग ना बहुत तरीके की बातें बनाते हैं, बहुत ज़्यादा मैंने भी फेस किया है, क्योंकि सब लोग ये कहते थे पता नहीं ये क्या है, YouTube में लगी रहती है पूरा दिन, जब देखो वीडियो में, जब देखो फ़ोन में, जब देखो ऐसे करके ऐसे करके, बहुत लोग मजाक भी बनाते थे। लेकिन अब धीरे धीरे लोगों को ये लग रहा है कि हाँ ये सच है। तो गाइज जैसे ही मेरा चैनल मोनो हुआ, लेकिन मैंने ना हिम्मत नहीं हारी है बिल्कुल भी, मैं शुरू से आज तक का अपनी वीडियो डालती गई, किसी ने मुझे कुछ भी कहा है, इन्होंने मेरा एकदम फ़ोन कर, कोई भी कुछ मुझे बोलता था ना कि हाँ क्या हो रहा है, वीडियो ऐसे बन रही है वैसे बन रही है, बस ये एकदम सबको मुंह बंद कर देते थे सबका कि ये काम है इनको काम करने दो। कोई भी मुझे कुछ कहता था मेरे तक का नौबत नहीं आती थी, ये सब संभाल लेते थे। तो बस मैं ऐसे ही अपना डेली वीडियो बनाती गई, फिर मेरी वीडियो वायरल हो गई एकदम। जैसे मेरा चैनल मोनो हुआ ना, मैंने खूब वीडियो तो मैं डेली बनाती थी, तो अच्छे व्यूज आने लगे मेरी वीडियो पर, एकदम से मेरी वीडियो वायरल हो गई। तो आप लोगों ने बहुत प्यार दिया सारी वीडियो पर, फिर जाके जैसे कि पता होगा जब $100 हो जाते हैं फिर जाके पेमेंट आते हैं, तो ऐसे ही मैंने तो ये भी नहीं सोचा था, क्योंकि जब शुरू में डॉलर बनते हैं ना, तो ऐसे डॉलर बनते हैं कि एक पॉइंट हमें मिलते हैं थोड़े थोड़े पॉइंट करके, तो ऐसे ही पॉइंट करके जब 100 पॉइंट हो जाते हैं ना, तब जाके हमारा $1 बनता है। तो $100 तो बहुत दूर की बात थी, तब भी मुझे ये नहीं था कि हाँ मुझे इतनी जल्दी पैसे भी मिल जाएंगे YT से। तो गाइज मुझे ना पूरा 1 साल हुआ है, अभी दिसंबर में मुझे 1 साल हो गया था, और देखो आप सबके प्यार से मेरी पेमेंट भी आ गई है। बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा मैं आपका धन्यवाद कैसे करूँ, मैं बोल भी नहीं सकती हूँ। तो आप सभी को दिल से धन्यवाद, आज मेरी पेमेंट आ गई है इतनी मेहनत के बाद। तो जी मेहनत तो मेरी थी, लेकिन आपका भी बहुत बड़ा साथ था कि आपने मुझे सपोर्ट किया है, तो आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहना गाइज। तो जी पैसे मेरे आ गए हैं YT से, और मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँगी आगे भी। तो ये देखिए मेरी मेहनत की कमाई है ये, जो कि मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी मुझे YT से पैसे मिल जाएंगे। तो ये देखिए गाइज मेरे पैसे, तो इन पैसों से मैं देखती हूँ क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी, तो वो भी आपके साथ आगे शेयर करूँगी। बहुत कुछ हमने सोच के रखा है कि हम अपने यूट्यूब के पैसे से वो करेंगे, और हम लोग इतने खुश हैं ना, इतने खुश, दिन से जो मेहनत की थी मुझे कुछ मिला है। तो गाइज ये पैसे या तो खुल के तो नहीं बता सकती हूँ मुझे कितने मिले हैं, लेकिन इतने हैं कि हाँ एक अच्छा सा मैं फ़ोन ले सकती हूँ इनसे, ठीक है। तो गाइज अगर आपको मेरी ये वीडियो और ये मेरी जर्नी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। कल मिलती हूँ कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।